ओम श्री गणेश नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो महीना है यानी कि नवंबर मंथ, आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल यू पीपल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, भगवान कल्कि आप देख सकते हैं। सो डिस्ट्रॉयर ऑफ आयरन एज, स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। ओके, सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको लग रहा है कि आपके एडवर्स है और यू नो एंटी है, तो आई थिंक उसमें भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, सो यू आर गोइंग टू यू नो ओवरकम दैट, और डिटर्मिनेशन एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस स्पेशली आपको हेल्प मिलने वाली है, आपको ब्लेस कर रहे हैं भगवान यू नो। और इट्स अबाउट लाइक अ सनशाइन, यू नो, लाइक आप ऑन द गो है, सो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू, या आप फॉरवर्ड मूवमेंट ही दिखाई दे रही है, एक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, ऑफकोर्स तो भगवान कल्कि अवतार है जो आपको यू नो इसमें विष्णु भगवान के ही अवतार है जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो ऑल इन ऑल चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, स्पेशली करियर एंड ओवरऑल एनर्जी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, जीत आपकी है। चलिए कोई भी डिबेट हो, एनीथिंग काइंड ऑफ अ दैट, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर हम बात करें लिब्रा के लिए, करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो करंट सिचुएशन ये है दैट इट्स अबाउट maybe you are like in a dilemma for something, ठीक है कि it's about money, it's about finance, you are thinking more about, मुझे लगता है ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि Libra, it's about you have two choices here, और आप confused हैं, let us find out more, okay, so यहाँ पे हमारे पास first reunion का कार्ड आ रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, एंड दुविधा में है कोई, इट्स अबाउट डिसीजन, ठीक है कि कोई डिसीजन लेना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक लाइक रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग, समबडी इज लाइक फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड है, यू नो, लाइक देर आर ऑप्शन, मे बी आपके पास या आपके पार्टनर के अराउंड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे आप दोनों ही किसी चीज को लेके, और हो सकता है कि ये आपके पार्टनर है, व्हाट दे वांट, और साइलेंस, इंटेंशंस क्या, इंटेंशंस आर गुड बट दे आर साइलेंट, ठीक है, इंटेंशंस अच्छी है इस पर्सन की बट साइलेंट है। ओके, एंड वेयर इज दिस हेडिंग। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट वी आर गेटिंग अ चेंज हियर, अ टावर, अ वर्ल्ड, सो मे बी इट्स अबाउट अ सडन चेंज, सडन शिफ्ट प्लान, और या हो सकता है कि कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहा है, या कोई सडन कम्युनिकेशन और सडन चेंज, ठीक है, कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या हो सकता है कि कुछ डेफिनेटली इट्स अबाउट ट्रुथ कमिंग, ठीक है, और आपको कुछ यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सो ये सारी एनर्जी हमें आपके लिए दिखाई दे रही है लिब्रा। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है लाइक यू आर गेटिंग टू नो समथिंग, ठीक है, कि वो चीज़ है। चलिए और देखते हैं लिब्रा, व्हाट्स कमिंग इन लव नवंबर मंथ में लिब्रा की, लिब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू डिजर्व लव, फ्री योर सेल्फ एंड वेरी सून इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे ऑफकोर्स बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ भी रहे हैं, बट कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, लाइक समथिंग इज स्टॉपिंग यू, मे बी इट्स अबाउट लाइक आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, या हो सकता है देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। ओके, मे बी हो सकता है इट्स अबाउट दैट रिलेशनशिप और एनी थिंग, ठीक है, और कोई कनेक्शन हो सकता है वेरी सून। हमारे पास यहाँ एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, सो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, या किसी को एक्सप्रेस करना है, किसी से बात करनी है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है। तो यहाँ कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको क्लियरली इस चीज़ की तरफ रोकने से लाइक यू नो स्टॉप कर रही हैं। मे बी आप अपने फाइनेंसिस की वजह से यू नो वरिड हैं, या हो सकता है अपने काम को लेके थोड़ा सा वो है, ट्रस्ट
हाँ, रिलीज योर एक्स का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि देयर इज एन इश्यू कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टिल कनेक्टेड टू एक्स, स्टिल कनेक्टेड, यू नो टाइम हैज कम कि अब आप पुरानी एनर्जी को क्लियर करके आगे की तरफ बढ़े। जो लिब्रा, ये आपके लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग बट यू आर नॉट एबल टू, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन, इट्स अबाउट वेडिंग ऑफ कोर्स, मैरिज, वेडिंग, दिस एंड दैट। तो थोड़ा आपको, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है ना, कि थोड़ा इस चीज को टाइम भी लग सकता है ऑफ कोर्स। एंड सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपके लिए चॉइसेस हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पाए कि वेयर टू, यू नो लाइक डिलेमा में ये चीज हो सकती है, या प्रपोजल दो आ सकते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा लिब्रा के लिए? ओके, करियर वाइज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इट्स अबाउट देयर इज समथिंग, आप किसी चीज को लेके परेशान हैं, ठीक है, और किसी चीज को लेके, यू नो, पर हमारे पास यहाँ एक्सपेंशन ही दिखाई दे रही है, ग्रोथ। तो आई थिंक आपकी विश पूरी हो सकती है एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट। जो भी टेंशन है, जो भी आप है आपको, यू नो, तो आई थिंक वो इशू सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक यू विल बी क्वाइट कंटेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आप सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट प्रिपरेशन, इट्स अबाउट लाइक बहुत आप सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई, यू नो, मिस्टेक ना हो जाए आपसे। बट मे हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि येस ऑफ कोर्स, कि जो भी है, इट्स गोइंग टू बी फाइन, ठीक है, कुछ भी जो आपके माइंड में चल रहा है। थोड़ा और देख लेते हैं रिलेशनशिप और करियर के लिए, व्हाट व्हाट डू वी हैव। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास देखिए फाइनेंशियली सब अच्छा दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आपको चिंता है, यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस, लाइबिलिटी, दिस एंड दैट, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फाइन, और सब अच्छा रहने वाला है। एंड मैनिफेस्टिंग वेल्थ एज वेल, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टिंग अ वेल्थ, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है मैनिफेस्टिंग अ गुड रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ मुझे वेल्थ ज्यादा दिखाई दे रहा है, कि आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा है। एंड मोर ओवर इस चीज से मुझे ऐसा लगता है फाइनली यू आर लाइक ओपनिंग अप टू अ न्यू लेवल, ठीक है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, और बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें लिब्रा के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं लिब्रा के लिए, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे राइटनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चेंज, नो, डोंट ट्राई टू रिजिस्ट और कंट्रोल। जो चेंज होना है वो होना ही है, व्हाट एवर यू डू, इट्स गोइंग टू, यू नो, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ऑफ कोर्स राइटनेस का कार्ड आ रहा है, कंट्रोल का कार्ड आ रहा है, सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ऑफ कोर्स, बट वो उसी टाइम पे होगी ऑफ कोर्स, ठीक है ना। नंबर नाइन वी आर गेटिंग कंट्रोल, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल। इसका मतलब है दैट मे बी आर ट्राइंग और रिजिस्टिंग समथिंग, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट टू, ठीक है। अब चाहे वो आपके खुद के थॉट्स हो, लेट द चेंज हैपन नेचुरली। ओके, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।